उत्तर प्रदेश में 51 जिलों में 470 परीक्षा केंद्रों पर 2,33,384 अभ्यर्थी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेंगे। झांसी कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है और सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसमें AI बेस्ड CCTV टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स और फेस रिकग्निशन तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। दूसरे कैंडिडेट की जगह कोई बैठने आएगा तो उसे एंट्री पॉइंट पर ही पकड़ लेंगे। SSP एंड कमिश्नर को दिशा निर्देश शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने हेतु पारित कर दिए गए हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष भी पूरे सेंटर्स को ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है और हम लोगों ने एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया है जिसमें AI बेस्ड CCTV टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। कैंडिडेट की अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स एवं फेस रिकॉग्निशन टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है। जिसमें ऐसा कोई कैंडिडेट है जो किसी दूसरे कैंडिडेट की जगह बैठना चाहता है तो हम उसको एंट्री पॉइंट पे ही कैच कर सकते हैं। साथ ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा रियल टाइम अटेंडेंस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि जिस सेंटर में जितने कैंडिडेट्स आएंगे रियल टाइम हम अटेंडेंस उनकी देख सकते हैं कि किस कैंडिडेट किस सेंटर्स में कितने हैं, कम हैं कि ज़्यादा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी कंट्रोल रूम्स में होती है या एग्जामिनेशन रूम में होती है उसको भी हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, मार्क करते हैं और जो भी सेंटर्स होता है वहाँ नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अगेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी पहली बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। हम एट ए टाइम सभी सेंटर से एक साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी रख सकते हैं, अपने मैसेज का आदान प्रदान भी कर सकते हैं।